वहीं विश्व आदिवासी दिवस के इस अवसर पर सर्व आदिवासी समाज द्वारा भिलाई में सांस्कृतिक रैली निकाली गई। इस रैली में आदिवासी समुदाय के लोग पारंपरिक वेशभूषा में सजे हुए थे और इस दौरान आदिवासी नृत्य का प्रदर्शन किया गया। समाज प्रमुखों ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ ही एकता और भाईचारे का संदेश देना है। आज है 9 अगस्त, मूल निवासी फेस्टिवल है हमार, और आज हम बिल्कुल हमार संविधानिक की जो है जो चिंतन मनन बा हमने एक विशेष दे हमार संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित ओकर जो है भारत देश में ओकरे तरह छत्तीसगढ़ में और आज भिलाई नगर में हमन पूरा दुर्ग जिला के खास रैली है, हमारे सांस्कृतिक रैली है, उसके माध्यम से मनाथन और एक प्रकार के संदेश भी देना चाहता है। हमार जो हमारे रीति रिवाज है, हमारे संस्कृति है, पर्यावरण संरक्षण है, ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जो हम इस रैली के माध्यम से आप मतलब दिखाए के कोशिश करत हन। हमारा जो उद्देश्य है जल, जंगल, जमीन में हमारा रहन सहन खान पान वहाँ होता है, हम जंगलों की रक्षा करते हैं जो पर्यावरण के लिए, सिर्फ आदिवासी नहीं हर समाज को, हर मानव को, हर प्राणी को चाहिए जंगल को बचाने का। तो इस जंगल को बचाना एक हमारा ये भी संदेश है, पर्यावरण को सुरक्षित करना है, शांति सद्भाव और एकता की भावना बनाए रखना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। साथ में हमारा जो परंपरा जो आदि से चल रहा है, अनंत तक चलेगा, चलता ही रहेगा, उसको हमें संरक्षण करना, दिखाना जनता को, उसको पिछले भिलाई के सेक्टर 10 स्थित ग्लोब चौक से शुरू हुई ये रैली सेक्टर 1 स्थित नेहरू सांस्कृतिक भवन में संपन्न हुई। इसके बाद आम सभा का आयोजन किया गया।